क्या ये केक जिंगजिंग के लिए है? यस का है, उसे दे दो। उनसे कोई गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, जाने दो ना। आखिर में वो आया तो तुम्हारे ही पास। क्या मैं तुम्हारा टेलीस्कोप ले सकती हूँ? ज्यादा ही एटीट्यूड है। एक रेस्टोरेंट बुक करो, फ्लावर्स और गिफ्ट्स का इंतजाम करो और सारी डिटेल्स मेरी डाल दो। सूजिंग को मीटी और दिखाकर वहीं ले आऊंगा। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर जी, बात यह है कि उस वक्त तक रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। क्या आप मुझे अपने सुपीरियर से बात करवा सकते हैं? हम कई बार यहाँ आए हैं, इस बार कुछ स्पेशल है। जी प्लीज आप वेट कीजिए। ओके। आई मी 6:30 बज चुके हैं, कहाँ हो तुम? मेरा बॉस मुझसे ओवरटाइम करवा रहा है और मैं वही काम कर रहा हूँ, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? तुम्हारा बॉस हमेशा ऐसा क्यों करता है? आई एम सॉरी एमी, हमारी फर्स्ट डेट पे लेट होने के लिए। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा बॉस सच में बहुत बुरा है, वो हमेशा तुमसे ओवरटाइम कैसे करवा लेता है, गलत है ये। मिस्टर जी सॉरी आपको वेट करना पड़ा, मैंने सीनियर से अभी जस्ट बात की और उन्होंने कहा कि आज रात के लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं। सच में? जी। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम सर एंड एंजॉय द नाइट। आई मी, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा वो ओवरटाइम कर रहा है, पर वो मेरे लिए सरप्राइज रेडी कर रहा है। कैसा सरप्राइज? एक रेस्टोरेंट में मेरे लिए एक सीट रिजर्व की है। कितना रोमांटिक है। जिंग जिंग मुझे माफ करना, बॉयफ्रेंड से मिलवाना था और मिलवा नहीं पाई। कोई बात नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड की लव लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। अच्छा हुआ मीटियर शावर देखने नहीं जा पाई, बारिश तो देखो। बिन मौसम बरसात यार, मूड खराब हो गया, चल चलते यहाँ से। चले चलो चलो जल्दी। मिस्टर आप ऐसे मौसम में कहाँ जा रहे हैं? जिंग जिंग, तुम भला हो कहां? मैं वहीं पर आ रहा हूं। कहा था तुम मीटी और शावर देखने जा रही, तो तुम गई क्यों नहीं? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा 2 घंटे से वहां पार्क में इंतजार कर रहा था। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं तुमने कहा था तुम्हें काम है, तो पार्क में क्या कर रहे थे? इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं वहां क्या कर रहा था, तुम ये बताओ तुम वहां पर क्यों नहीं गई? मौसम देखो ना, मैं कैसे आती? वैसे भी मैं आऊं या ना आऊं इससे तुम्हें क्या मतलब? मिस्टर गु, रेस्टोरेंट बुक हो गया है, वो है। मैं इस तरह भला वहाँ कैसे जाऊंगा? मिलवाती हूँ इनसे, ये है मेरा बॉयफ्रेंड शेथर। मिस्टर गु, तुम एक दूसरे को जानते हो? ये उससे
तुमसे ज्यादा जानता है। मिस्टर गु, मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे आया था। चलो चलते हैं फिर। चलो चलते हैं फिर। इसने आज रेस्टोरेंट बुक किया है हमारे लिए। क्या हम सब साथ में जा रहे हैं? मैं वो थैंक यू। एंजॉय। श्येता अब काम से फ्री है, और अब ये मत कहना कि ये रेस्टोरेंट तुमने बुक करवाया था। ओके, मैं असल में वो मैं नहीं था। श्येता छुपाओ मत, आईमी ने फोन पे सब सुन लिया था। आपका धन्यवाद। अरे नहीं, मिस्टर गु ने थोड़ी सी ठंड लग गई है बस। मिस्टर गु अक्सर इस रेस्टोरेंट में आते रहते हैं। अच्छा लगा तुम्हें पसंद आया। गुड इवनिंग सर। जिन्होंने इस रेस्टोरेंट को बुक कराया है, हम पेश करना चाहते हैं उस लड़की के लिए जिन्हें यह पसंद करते हैं। कैसा लगा, पसंद आया ना? हाँ। श्येता यकीन नहीं हो रहा ये सब तुमने किया। आईमी मुझे तुमसे जलन हो रही है। थैंक यू सो मच, मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं कर लूंगा। थैंक यू आईमी, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू आईमी। तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है ना? चलो एक्सचेंज करते हैं। रेड वेलवेट तुम्हारा फेवरेट। देख रही हूँ, लेकिन नहीं, क्या ये केक जिंग जिंग के लिए है? ये उसका है, उसे दे दो। उनसे कोई गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, जाने दो ना। आखिर में वो आया तो तुम्हारे ही पास। अरे नहीं, ये नेकलेस। समझाने की कोई जरूरत नहीं है श्येता, हम चारों के बीच में सिर्फ तुम आईमी को नेकलेस दोगे। सब ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, है ना? तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम इसे मुझे पहना दोगे? मुझे क्यों देख रहे हो, पहनाओ उसे। हाँ पहनाओ ना। ओके। अच्छे से पहनाना, अच्छे से। पहनाओ। अरे यार। वाओ। अपने हाथ सीधे रखो। अरे वो नर्वस है ना। ये कितना ब्यूटीफुल है। श्येता, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, ये काफी सुंदर है। सही कहा। थैंक यू। सिर्फ एक किस से काम हो जाएगा। ठीक है इतना।